श्रीगंगानगर के घड़साना में नजर आया लॉकडाउन का असर। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई सामाजिक संस्थाएं। आपको बता दें, भगत सिंह जनसेवा संगठन की ओर से लगातार यहां पर भोजन और राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। रोजाना 2500 लोगों को भोजन के पैकेट्स यहां पर वितरित उनके द्वारा किए जा रहे हैं। संकट की घड़ी में संकट के सूरमा जरूरतमंद व गरीब परिवारों के लिए भोजन का जो व्यवस्था है वो यहाँ की जा रही है। इन जवानों का कहना है कि कोई व्यक्ति जो है वो भूखा ना सोए। तमाम व्यवस्था आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ भोजन की जो व्यवस्था है वो गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए की जा रही है। वहीं इन गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए भामाशाहों का भी शोक मिल रहा है और तमाम जो व्यवस्था है वो गाड़ियों के माध्यम से उन गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए भेजी जा रही है। इसी के साथ आज भगत सिंह युवा कमेटी जो है वो तमाम इन व्यवस्थाओं में भी लगी हुई है। इस कमेटी के संचालक भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार यहाँ से व्यवस्था की जाती है और कहाँ कहाँ तक इन भोजन को पहुंचाया जाता है। बिल्कुल जगदीश जी, आप बताएं कि भोजन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की जाती है और कितने जरूरतमंद लोगों को ये भोजन दिया जाता है। ये शहीद भगत सिंह जनसेवा संस्था द्वारा जो युवाओं की जो टीम है यहाँ पर, ये भारत में पूरी महामारी देखते हुए गरीब जो परिवार है जिनके घर पे एक टाइम की खाना नहीं बनता है, उन परिवारों को वार्ड बाई वार्ड पूरा सर्वे करके उनके घर तक हमारी पूरी टीम और जो 84 ग्राम पंचायत श्री मोटनदास सरपंच साहब है उनके नेतृत्व में चलती है, और भामाशाह जो है हमारे इस नई मंडी गढ़साना के, उन पूरे भामाशाह का पूरा सहयोग है और जो पूरी हमारी टीम है पूरी लगी हुई है घर घर जाकर उनके घर तक खाना पहुंचाती है। और आगे जब तक ये महामारी ये लॉकडाउन चलेगा हम पूरी जो ये सी ग्राम पंचायत और गरीब के साथ है। बिल्कुल, ये तमाम संकट के सूरमा इस संकट की घड़ी में लगे हुए हैं। तमाम जरूरतमंद गरीब परिवारों के लिए भोजन की जो व्यवस्था है वो इनके द्वारा की जा रही है। वहीं A1 टीवी आपसे अपील करता है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मैं अपने कैमरामैन चिन्नू स्वामी के साथ विकास पारिक, A1 टीवी, घड़साना।